नमस्कार दोस्तों, बाइक मैकेनिक सत्यदेव निषाद अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे बजाज पल्सर BS4 बाइक का जो हमारा सीजर गियर होता है, सीजर गियर और साथ में क्लच प्लेटें कैसे इंस्टॉल करेंगे, सीजर गियर कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसकी टाइमिंग क्या होती है, पूरी डिटेल्स में वीडियो बनने वाली है। तो देख सकते हैं हमारा बजाज पल्सर, इसका जो हमारी पूरी क्लच बॉक्स होती है, जैसे सीजर गियर हुआ, प्राइमरी गियर हुआ और क्लच प्लेटें हुई, ये सब निकाला गया है। तो इसकी टाइमिंग आपको बताएंगे कि टाइमिंग कैसे सेट किया जाता है। इसके अंदर टाइमिंग होती है, जो हमारी बैलेंसर होती है उसकी टाइमिंग होती है, सीजर गियर होती है उसकी टाइमिंग होती है, जो हमारी प्राइमरी गियर होती है उसकी टाइमिंग होती है। तो ये हमारा सीजर गियर है, इसमें सीजर गियर नया इंस्टॉल होने वाला है। तो यहाँ पर सीजर गियर के टूल लेंगे और कुछ इस प्रकार से जो हमारी सीजर गियर का प्लास्टिक का सेक्शन उसमें फंसाएँगे। उसके बाद दोस्तों इसको राइट साइड में मूव करेंगे आगे की तरफ, इस तरह से इसको आगे की तरफ दो दांता मूव करना है, दो दांता मूव करके जो हमारी टूल्स है उसको आगे की तरफ पुश करेंगे। तो इसमें फंसा लेंगे पहले, फिर दो दांता आगे की तरफ, एक और दो, दो हो गया। अब आगे पुश करेंगे टूल्स को, तो ये फंस चुकी। अब इस प्लास्टिक की जो सिरा है इसको अपने साइड खींचेंगे, जैसे कि ये देख सकते हैं दिखाए गए तरीके से दो दांता इसको भी खींच लेंगे। तो आप राइट साइड से भी ले सकते हैं और राइट और लेफ्ट साइड से भी उसको खींच सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दिखाए गए तरीके से आपको जो सीजर गियर है उसकी समझ आ गया होगा। उसको दोस्तों जो हमारी ये वॉशर है वो पहले लगेगी इसमें पीछे की साइड, दो वॉशर इसमें, एक आगे की साइड लगने वाली है पतली वॉशर छोटी वाली और एक पीछे लगने वाली है। दो वाशर इसमें सीजर गियर है उसमें इंस्टॉल होने वाले हैं। तो सीजर गियर के जो हमारी टाइमिंग होती है, दोनों तरफ से दो दो चूड़ी खसका लेंगे, जो हमारी प्लास्टिक है दो चूड़ी इधर से आएगी और दो चूड़ी उधर से, दो दो चूड़ी। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे वाशर और इसका जो ये वाला सेक्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मार्क लगाया, वो अंदर की साइड रखेंगे। फिर भी यदि बाहर की साइड रख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बैलेंसर है तो बहुत लोग समझते हैं इसको, जैसे ये वाला हिस्सा बड़ा होता है तो इसको अंदर रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि उल्टा भी लग जाता है, तो कुछ दिक्कत नहीं आती है, वो पूरे अच्छे से वर्क करता है। बस इसकी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, जो हमारी खिंचाव है सीजर गियर ख़राब नहीं होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप उल्टा या सीधा उसे लगा सकते हैं, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। फिर भी इसका जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको अंदर रखेंगे। कुछ इस प्रकार से जो हमारी प्राइमरी गियर की टाइमिंग है उसे मैच करा लेंगे। प्राइमरी गियर में एक वाइट कलर का निशान दिया है एरो, और चेंबर में हमारा चिन्ह दिया है उससे मिलाएंगे। ये बैलेंसर है, बैलेंसर को नचाकर छोड़ देंगे, उसकी जो डायरेक्शन है वहाँ पर आकर वो रुक जाती है। उसको एक बार नचाएँगे छोड़ देंगे, वो उसकी जो टाइमिंग है वहाँ पर आकर वो रुक जाएगी। कुछ इस प्रकार से पकड़े हुए बैलेंसर को रुकने के बाद पकड़ लेंगे। उसके बाद दोस्तों सीजर गियर को इंस्टॉल करेंगे। पीछे एक वाशर भी है, ख्याल रहे। तो कंप्लीट जो हमारी सीजर गियर है लग जाए, लग जाने के बाद थोड़ा सा चोट दे देंगे ताकि जो हमारी इसकी सेक्शन है उसमें अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद दोस्तों जो हमारी क्लच हाउसिंग है उसे लगाएंगे, और जो हमारी प्राइमरी गियर है उसका भी देख सकते हैं यहाँ पे चेंबर में निशान है और प्राइमरी गियर पे यहाँ पे वाइट कलर का निशान है, इसको मैच करा के रखेंगे। इसकी टाइमिंग होती है टॉप पोजीशन की। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैच कराना पड़ता है दोनों को, प्राइमरी गियर उसको भी और साथ में बैलेंसर और उसके साथ जो हमारी सीजर गियर है उसको भी, तीनों को मैच कराने के बाद जो हमारी हाउसिंग है क्लच हाउसिंग उसे अंदर इंस्टॉल करेंगे दिखाए गए तरीके से। तो जो हमारी सीजर गियर है उसको पकड़ के रखेंगे ताकि इधर उधर नाचे ना। उसके बाद दोस्तों जो हमारी प्राइमरी गियर है वो तो उसके जो डायरेक्शन है उसकी जो टाइमिंग है उस पर ला कर छोड़ देंगे, और दिखाए गए तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। जो प्लास्टिक का सेक्शन है यदि हमारा सीजर गियर को वो रोके तो थोड़ा सा इधर उधर पुश कर देंगे, फंसे ना और अंदर पुश हो जाए। तो कंप्लीट जो हमारी सीजर गियर है वो हो चुकी है। बैलेंसर का देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंसर में एक बिंदी दी रहती है, वो चेंबर में थोड़ा सा कटा हुआ होता है, और ये हमारा प्राइमरी गियर का टाइमिंग यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, जो हमारी प्राइमरी गियर है उसका, जो हमारी प्राइमरी गियर देख सकते हैं, जो प्राइमरी गियर है उसमें यहाँ पे देखते हैं एरो का निशान दिया हुआ है,
और सीधे चेंबर में देखेंगे तो यहाँ पर भी निशान दिया हुआ है। इन दोनों को मैच कराना होता है। तो ये कट वाली लॉक जो है ये मैच हो गई। उसके बाद दोस्तों जो हमारी बैलेंसर है, बैलेंसर में देख सकते हैं निशान दिया हुआ है, और बैलेंसर में जो उसे नचा के छोड़ेंगे तो जो उसका निशान दिया हुआ है वहाँ पे जाकर वो रुक जाती है। वहीं पे उसको पकड़ लें थोड़ी देर के लिए, पकड़ने के बाद हिले उलेना उसका दोस्तों सीजर गियर को इंस्टॉल कर देंगे। सीजर गियर को इंस्टॉल करने के बाद बैलेंसर की जो पोजीशन है वो ठीक पोजीशन में आ जाती है। ये हमारी क्लच प्लेटें हैं, देख सकते हैं फूक चुकी हैं, ख़राब हो गई हैं, जल गई हैं। ये हमारी क्लच सेंटर है जो कि ये बचा हुआ है, ये हमारे सेक्शन घिसा हुआ रहता है, कटा हुआ रहता है, तो इसे चेंज कर देना होता है, लेकिन ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी क्लच हब है, ये भी सेक्शन कटा हुआ होता है तो इसे चेंज कर देना होता है, लेकिन ये कटा नहीं है, बच गया है। और बस क्लच प्लेटें फूकी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार और आपको सजेस्ट कर दूँ जो हमारी टाइमिंग है, यहाँ पे देखें तो जो हमारी बैलेंसर उसमें एक बिंदी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पतला पेच की सहायता से दिखाने की कोशिश करें, यहाँ एक बिंदी है, और चेंबर में देखेंगे यहाँ पे सफ़ेद थोड़ा सा घिसा हुआ होगा ऊपर चेंबर में, तो वहाँ इसकी टाइमिंग होती है। यहाँ पे मैच करा लेंगे, और सीजर गियर को मैंने बता ही दिया, और हमारी प्राइमरी गियर है, जो प्राइमरी गियर में देखें यहाँ पर और यहाँ पे दोनों को मैच कराना होता है। चेंबर में यहाँ पे निशान दिया है, और जो हमारी पिनियन है प्राइमरी गियर के यहाँ पे जो निशान है चिन्ह है इसे मैच कराना होता है। तो उम्मीद करता हूँ जो आपको ये टाइमिंग है समझ आ गई होगी। इसकी टाइमिंग ये है, इस चेंबर से मिलाना होता है, बैलेंसर का मैंने बता दिया, सीजर गियर का दो दांता इधर से मुँह कराएँगे, दो दांता उधर से, और उसे फिट कर लेंगे यहाँ पर बैलेंसर का, और सीजर गियर मैंने बता ही दिया, दो दांता इधर से, दो दांता उधर से, उसके बाद इंस्टॉल करना है इसे, और हाउजिंग को लगा लेंगे। हाउजिंग की कोई टाइमिंग नहीं होती है, आप चाहे जैसे लगा सकते हैं। और इसमें हाउजिंग को लगाने के बाद इधर से एक मोटी वाली वार्सल भी लगती है। तो ये हमारी क्लच हब है, इसका सेक्शन ठीक है, कटा हुआ नहीं है, तो ये चल जाएगा। तो इसमें नई क्लच प्लेटें पड़ने वाली हैं, बस क्लच प्लेटें सिर्फ डाली जाएगी, और जो हमारी सीजर गियर है उसे नया इंस्टॉल हुआ है, ये हमारी पुरानी वाली है। तो पुरानी वाली में ज़्यादा फ्ले आ गया था, देख सकते हैं यहाँ पे कितना। तो इसमें जब ज़्यादा फ्ले आ जाता है ऊपर नीचे का भी और साइड का भी, तो ये कवर नहीं कर पाता है, आवाज़ ज़्यादा करता है, साएं साएं की आवाज़ इसमें बढ़ जाती है, जो इंसुलेटर लेने पर साएं साएं करती है वो सीजर गियर की ही आवाज़ होती है। तो ज़्यादा मात्रा में आवाज़ करे तो समझ जाइए जो हमारी सीजर गियर है वो ख़राब हो चुकी है। तो ये हमारी क्लच प्लेट है, बजाज जेन्युइन पार्ट है, ये लगभग आपको 7-7.5 के आसपास में आती है, जो हमारी जेन्युइन पार्ट है। ये क्लच प्लेट है 7-7.5 के आसपास आती है। तो देख सकते हैं इसका पार्ट नंबर, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, इसका पार्ट नंबर है DH1018। तो मैंने आपको इसका पार्ट नंबर दिखा दिया है। तो ये हमारी क्लच प्लेटें हैं न्यू वाली। तो इसमें टोटल 5 क्लच प्लेटें हैं, 4 एक साइड के हैं, एक साइज के 4 हैं, और एक पतली है, तो जो पतली है वो नीचे लगेगी। और इसके लेदर में भी डिफरेंस होता है, थोड़ा लेदर जो नीचे लगेगी उसकी लेदर थोड़ा स्मूथ होती है, और जो सबसे ऊपर लगेगी उसकी लेदर थोड़ा स्मूथ होती है। तो दिखाए गए तरीके से आप इसे सेटिंग कर लेंगे अच्छे से। ये हमारी प्रेशर प्लेटें हैं, ये हमारी क्लच प्लेटें के पार्ट नंबर थे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें 2 रिंग पड़ने वाले हैं, इसमें एक रिंग था नहीं, पहले से नहीं था, और हमारे पास अवेलेबल भी नहीं था। तो इस तरह इस प्रकार के जो रिंग हैं इसका दबा हुआ सेक्शन को नीचे रखेंगे और दूसरे रिंग को लगाएंगे तो उसका उभरा हुआ सेक्शन को ऊपर रखेंगे। तो फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, तो जो पतली वाली क्लच प्लेट है उसको डालेंगे, फिर प्रेशर प्लेट डालेंगे, फिर जो हमारी एक साइज के 4 हैं उसमें से क्लच प्लेट डालेंगे, फिर प्रेशर प्लेट डालेंगे। तो जो मैंने रिंग आपको डालकर दिखाया उसमें एक रिंग था नहीं, तो हमारे पास अवेलेबल भी नहीं था, इसलिए नहीं लगा पाए। तो इसमें 2 रिंग आती हैं, इसमें आप लगा सकते हैं। तो एक असेंबली बना ले, जैसे क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, ऐसे एक असेंबली बना लें
और जो हमारी क्लच प्लेट है उसमें लिखा हुआ सेक्शन कुछ लिखा हुआ आता है तो उसको थोड़ा ऊपर रख देंगे, और जो हमारी फिक्सन प्लेटें होती हैं, जो हमारी प्रेशर प्लेटें, तो प्रेशर प्लेटें में एक तरफ स्मूथ होगा, स्मूथ वाली सेक्शन को, जो हमारी बराबर सेक्शन मतलब मुलायम वाले सेक्शन को ऊपर रखेंगे, ताकि इसको जब इंस्टॉल करेंगे, जो हमारी क्लच सेंटर ऊपर से लगा लेंगे। ये हमारी मोटी वाली वार्सल है, यहाँ पे एक मोटी वार्सल लगती है, देख सकते हैं यहाँ पे मोटी वार्सल, उसको दोस्तों हमारी जो क्लच प्लेटें हैं उसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमारा असेंबली है, क्लच हब, क्लच सेंटर, क्लच प्लेट और हमारी प्रेशर प्लेट, एक असेंबली इस प्रकार से दिखाए गए तरीके से, इसी तरह से नचा नचा कर और जो हमारी क्लच हाउसिंग है उसमें इंस्टॉल कर लेंगे। पीछे एक मोटी वार्सल है, वो उसका ख्याल रखेंगे और ध्यान भी देंगे। उसके बाद दोस्तों ये हमारी इसकी एक वाशर और इसके नट 19 नंबर के, तो जो हमारी क्लच प्लेटें हैं वो हाउसिंग में फिट हो चुके हैं। उसके बाद एक वार्सल, वार्सल के बाद दोस्तों ये हमारी 19 नंबर की नट है, कट नट, तो इसमें उल्टा चूड़ी आता है, तो ये वाली उल्टा चूड़ी है, तो ख्याल रखेंगे इसको जब खोलेंगे तो ये टाइट होती है, और जब इसे जैसे एंटी क्लॉकवाइज है, ये उल्टा चूड़ी होता है, जैसे खोलेंगे तो ये टाइट होगी और टाइट करेंगे तो खुलेगी। तो ये हमारी क्लच होल्डर से क्लच को, जो हमारी क्लच असेंबली है उसे होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद दोस्तों स्पेशल इसकी एक टूल आती है जो कि 19 नंबर की है, कट गोटी, तो इसे लगाएंगे और अच्छे से कंप्लीट टाइट करेंगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज टाइट होती है, तो कंप्लीट इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे, फुल टाइट, इतनी भी टाइट ना करें कि चूड़िया स्लिप हो जाए, अपने अनुसार देखकर अच्छे से कंप्लीट टाइट कर लेंगे। तो टाइट हो चुकी है, उसके बाद दोस्तों क्लच हाउसिंग जो हमारी है इसमें नचाकर चेक कर लेंगे, क्लच होल्डर को बाहर करेंगे और इसे एक बार प्ले चेक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों जो क्लच की स्प्रिंग है, 5 स्प्रिंग इसमें होती हैं, स्प्रिंग को लगा लेंगे। तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता स्प्रिंग का, चाहे आप जैसे लगा सकते हैं, कोई भी सिरा किधर भी कर सकते हैं। तो कंप्लीट हमारी स्प्रिंग लग चुकी है, उसके बाद दोस्तों क्लच के ऊपर की जो प्लेट, स्प्रिंग के ऊपर की जो प्लेट है उसे लगाएंगे। अब प्लेट को लगाने में दोस्तों इसके 5 बोल्ट आते हैं 10 mm के, तो इसे लगाना है और कंप्लीट इसे टाइट कर देना है। तो 5ों बोल्टों को लगा लेंगे, 10 नंबर की गोटी से इसे अच्छे से टाइट कर देना है। टाइट करते समय स्प्रिंग को अच्छे से बैठा लेना है, जो हमारी स्प्रिंग है 5ों स्प्रिंग, इसको अच्छे से चारों तरफ से देख लेंगे और इसको अच्छे से बैठा देना है। बैठी रहती है तो जो हमारी क्लच है वो अच्छे से वर्क करती है, तो जो 5ों स्प्रिंग है उसको अच्छे से बैठा लेंगे। बैठाने के बाद जो हमारी सिरा है नट बोल्ट की, और अंदर से अंगूरी डालकर अच्छे से कंप्लीट हमारी स्प्रिंगों को देख लेंगे, बैठा लेंगे। उसके दोस्तों जो हमारी 10 mm के जो 5ों बोल्ट है उसे कंप्लीट अच्छे से फुल टाइट कर देंगे। तो कंप्लीट टाइट हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारी ये बायलेंसर है, बहुत लोग बायलेंसर और बहुत लोग रोटर बोलते हैं, तो इसे लगा लेना है। अब आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ रोटर बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों इसकी वाशर लगा लेंगे, वाशर के बाद दोस्तों 19 नंबर की इसकी नट है जो कि सीधा चूड़ी है, ये क्लॉक वाइज टाइट होगी, तो इसे लगाएंगे और टाइट करेंगे। और इसकी स्पेशल जो हमारी ये गोटी है 19 नंबर की, इसी से ये टाइट हो जाएगी। तो जो हमारी रोटर, उसे लगाने के बाद जो हमारी बोल्ट है, वाशर और बोल्ट, उसे कट गोटी के साथ अच्छे से टाइट कर लेंगे। नीचे से जो हमारी प्राइमरी गियर होती है उसको काट कर एक टूल बनाया गया है, उसको नीचे से फंसा लेंगे, ताकि जो हमारी टाइट, जो हमारी नट है उसे टाइट करते समय नचे ना। तो ये हमारी टूल बनाई गई है, प्राइमरी गियर को काट कर और एक टूल बनाई गई है फंसाने के लिए, जो हमारी बैलेंस प्राइमरी गियर है उसके दांतों में फंसा देंगे तो अच्छे से टाइट हो जाएगी। इसकी पैकिंग लगा लेंगे, रोटर के ऊपर की प्लेट की पैकिंग, कागज़ की पैकिंग है, इसे लगा लेंगे। लगाने के बाद दोस्तों इसे इसके ऊपर लगा लेंगे, जो हमारी रोटर उसके ऊपर की प्लेट, इसमें पैकिंग है। उसके बाद दोस्तों इसके 3 पेंच हैं, तीनों पेचों को टाइट कर लेंगे। तो ये हमारी 3 पेंच हैं, तीनों पेचों को अच्छे से टाइट कर लेंगे।
तो वो दिखाएगा तरीके से आप बिट की सहायता से या पेचकस की सहायता से अच्छे से जो तीन पेच है वो टाइट हो चुके हैं। और साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखें, जितनी क्लीनिंग रहेगी उतनी ही ठीक रहेगी इंजन के मामले में। उसके दोस्तों जो हमारी क्लच की वायरिंग है उसे इंस्टॉल करेंगे। क्लच की वायरिंग को लगाने के बाद दोस्तों इसके नचाकर चेक भी कर लेंगे। तो जो हमारी क्लच की वायरिंग वो लग चुकी है, बैठे ना तो हल्का फुल्का चारों तरफ से ठोक देंगे तो बैठ जाएगी, तो कंप्लीट बैठ चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सीजर गियर में एक पतली वाशर लगती है उसको लगा लेंगे, एक बाहर से एक अंदर से लगती है। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर की कैप को लगा लेंगे, इसमें दो डाउल फिन है, कैप में दो डाउल फिन मिलेंगे आपको, बहुत लोग जैसे बुश भी बोला जाता है, इसमें दो डाउल फिन है, दोनों डाउल फिन को लगा लेंगे, एक यहाँ है एक उस साइड है, तो दोनों डॉल्फिन को लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसका 8 mm की एक डॉल्फिन यहाँ लगती है, एक डॉल्फिन यहाँ लगता है, बहुत लोग बूस बोलते हैं, तो इसके 8 mm के छोटे छोटे तीन बोल्ट हैं उसे लगाएंगे और अच्छे से कंप्लीट टाइट कर लेंगे। तो 8 नंबर गोटी से इसे कंप्लीट अच्छे से टाइट कर लें। तो ये टाइट हो चुका है। उसके दोस्तों किक की वाशर है, ये वाली किक का जो है हमारी किक सॉफ्ट, उसमें एक वाशर लगती है पतली वाली, जो बहुत पतला होता है उसे लगा लेंगे, लग चुके हैं। उसके दोस्तों आयल पंप है जो हमारी, उसको इंस्टॉल करने से पहले जो हमारी ऑयल पंप की जाली है उसमें एक ओरिंग है, इस ओरिंग का ख्याल रखेंगे डैमेज ना हुई हो, ठीक हो। उसके बाद दोस्तों जाली को कुछ इस प्रकार से लगा लेंगे और उसकी लॉक को भी लगा लेंगे। तो ये आयल पंप की जो जाली है वो है, उसके बाद दोस्तों इसमें ओरिंग भी है तो ओरिंग को भी लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों जो इसके लॉक है लॉक को भी लगा लेंगे, तो कंप्लीट जो हमारी जाली है उसे बैठा लेंगे पहले अच्छे से चारों तरफ से। उसके बाद दोस्तों इसकी लॉक को लगा लेंगे। कभी कभी ओरिंग बढ़ जाती है पेट्रोल से धुलने से, तो पेट्रोल से वाश ना करें, आप इस जाली को वाश करना हो तो पहले जो हमारी ओरिंग है उसे निकाल दें बाहर। तो ये लॉक लग चुकी है। उसके बाद दोस्तों इसमें एक डॉल पिन लगती है यहाँ पे, इस डॉल पिन को लगा लेंगे, यहाँ पे एक डॉल पिन लगती है जिसे बूस बोला जाता है, इसे लगा लेंगे। उसके बाद दिखाए गए तरीके से दोस्तों यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर देना है, अच्छे से यहाँ पर लगा लेंगे। जो हमारी इसकी प्लास्टिक की गरारी है वो प्राइमरी गियर क्लच हाउसिंग की दांतों से जुड़ेगी। तो ये जो हमारी आयल पंप है उसे लगा लेंगे, उसके जाली को लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारी प्लास्टिक की ये पीली सी जो गरारी है वो हमारी क्लच हाउसिंग की दांतों से मैच होती है, तो तीन बोल्ट हैं इसके कंप्लीट अच्छे से टाइट कर लेंगे तीनों बोल्टों को। ये टाइट हो चुकी है। तो यहाँ पर कम्प्लीट जो हमारी देख सकते हैं आयल पम्प है वो लग चुका है और इसके तीन बोल्ट हैं वो टाइट हो चुके हैं, एक डॉल पिन यहाँ एक डॉल पिन यहाँ, मैं पहले इसको बता चुका हूँ, और जो हमारी आयल पंप है उसमें भी, और एक डॉल पिन चेंबर में यहाँ पे और एक डॉल पिन यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों ये हमारी वाशर है पतली वाली किक सॉफ्ट की वाशर, ये क्लच की वायरिंग। उसके बाद दोस्तों जो हमारी प्रोसेज है, इसके बाद जो हमारी गैसकिट है उसे लगा लेंगे, क्लच पैकिंग जिसे बोला जाता है क्लच पैकिंग को लगा लेंगे। यहाँ पे ये छर्रा देख लेंगे, यहाँ पे लंबी वाली निकली हुई ना हो, ये प्लास्टिक भी निकली हुई ना हो, और कंप्लीट जो हमारी चेंबर है क्लच बॉक्स की उसे इंस्टॉल करेंगे। तो जो हमारी चेंबर उसे मैं लगा चुका हूँ, जो हमारी क्लच पैकिंग है उसे लगा लेंगे। क्लच पैकिंग को लगाने के बाद जो हमारी चेंबर है क्लच की उसे लगा लेंगे। उसे लगाने के बाद दोस्तों जो हमारी इसकी 12 बोल्ट हैं सेम साइज़ के उसे लगाएंगे और फैटन में टाइट कर लेंगे। तो मैंने सारे बोल्टों को लगा दिया है, उसके दोस्तों इस क्रॉस बाई क्रॉस में इसे टाइट करेंगे, तिरछा तिरछी कंप्लीट अच्छे से 12 बोल्टों को अच्छे से टाइट कर लेंगे। चलिए मैं टाइट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये कंप्लीट टाइट हो चुका है सारे बोल्ट 12 बोल्ट। उसके बाद किक लगाएंगे,
किक में 12 नंबर का बोल्ट होती है, किक लगा लिए, देख सकते हैं 12 नंबर की जो बोल्ट होती है इसे लगाएंगे और अच्छे से टाइट कर देंगे। और ये हमारी ऊपर की जो सेल्फ है उसके ऊपर की प्लेट है उसे लगा लेंगे। उसके बाद गेज को खोलेंगे, ये हमारा आयल गेज है और इसमें 1.25 लीटर का आयल डालेंगे। बजाज का मैं जो 1.25 लीटर का होता है 1.15 उतना आयल डालेंगे। आयल डालने से पहले जो हमारी ये ओरिंग है उसे ख्याल रखेंगे ओरिंग का भी, और साथ में जो हमारी मोबिल नट होती है उसको टाइट कर लेंगे, तो पता चले आप इधर आयल डालें और उधर निकल जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ जानने सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।